सो है मेरे प्यारे ट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आपका भी मन है कि हाँ, मुझे एक यूट्यूब चैनल बाय करना है और वहां से मुझे अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करनी है, या किसी भी पर्पज से आप यूट्यूब चैनल बाय कर रहे हैं। सो इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि आप कभी भी किसी से चैनल बाय करते हैं तो किस तरह से आप उससे पूरा असेस उस यूट्यूब चैनल का ले सकते हैं सेफली, ताकि आप सही तरीके से उस चैनल को असेस कर पाए और सही तरीके से जो भी आपने चीज उसके ऊपर सोची है आप उस चीज को सक्सेसफुली कर पाए, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे, है ना, मतलब पूरी वीडियो आपको देखनी है अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इस चीज के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे जो बहुत सारे क्रिएटर्स नहीं जानते कि अकाउंट्स होता है ना। सभी को ये लगता है कि हाँ, अगर हमें किसी से असेस चाहिए, है ना, मतलब हमें किसी का यूट्यूब चैनल बाय करना है तो हमें उससे आईडी पासवर्ड लेना पड़ेगा, है ना। नंबर वन जो चीज सोची होती है आईडी पासवर्ड, है ना, जिसको आसान भाषा में हम कहें जीमेल, है ना, जीमेल एंड पासवर्ड। बहुत सारे बंदों को लगता है कि अगर हमने किसी से जीमेल एंड पासवर्ड ले लिया हमें पूरा असेस मिल जाएगा। एक तरह से वो बिल्कुल सही भी सोच रहे हैं, हाँ आपको असेस मिल गया है, लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज होती है जो नहीं जानते लोग, कि जो जीमेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर वन, नंबर टू, पर्सनल अकाउंट एंड नंबर टू इज ब्रांड अकाउंट। अब कुछ कहेंगे, भाई ये कौन सी चिड़िया का नाम है, किस खेत की मिली है ये ब्रांड अकाउंट। अब ब्रांड अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में मैं क्या कहता हूं, है ना, अगर आप किसी से यूट्यूब चैनल बाय करते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि आप जिससे भी बाय कर रहे हैं वो एक जेन्युइन एंड ट्रस्टेबल पर्सन हो, मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक इमेज हो, है ना। मैं आपको अभी बेसिक से चीजें बता रहा हूं ताकि आप हर एक पॉइंट देखेंगे ना तो आप हर एक चीज बहुत आसानी से समझ पाएंगे एंड हर एक चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स में किसी बंदे से असेस लेना हो तो हाँ, डायरेक्ट ये पॉइंट वाला बिल्कुल सही रहता है कि हाँ, पर्सनल अकाउंट है अगर आपका तो आपको उससे आईडी पासवर्ड लेके आप अपने फोन में उसका असेस ले सकते हैं और 7 डेज तक प्रीवियस नंबर के ऊपर रिकवरी मैसेज या रिकवरी कोड चाहते हैं, ठीक है। तभी कहा कि किसी से भी बाय करना है तो बिल्कुल जेन्युइन एंड ट्रस्टेबल पर्सन से खरीदना है, ताकि इन फ्यूचर अगर प्रीवियस पर्सन ने अपना रिकवरी नंबर या रिकवरी ईमेल भरा है तो उसके ऊपर कोड जाएंगे, अगर प्रीवियस बंदे ने नहीं भरा है देन कुछ नहीं जाता, है ना। तो इस केस में अगर किसी बंदे ने सिक्योरिटी भर के रखी है देन इस केस में आप बच सकते हो। जैसे मानिए कि जितने भी अपने यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं हमेशा कभी भी मेरे से यूट्यूब चैनल बाय करते हैं तो मैं उनको हमेशा बिल्कुल सेफली डील करवाता हूँ, ताकि इन फ्यूचर 7 डेज तक अगर कोई कोड वगैरह भी आता है तो मैं उनकी उसमें हेल्प कर पाऊं उन कोड्स को उनको बताने के लिए, है ना। तो नंबर वन थिंग समझ में आ गया आपको कि सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी, ट्रस्टेबल पर्सन, चाहे वो प्यार की बात हो चाहे वो यूट्यूब चैनल की बात हो, ट्रस्ट इज ऑलवेज ऑन टॉप, है ना। किसी भी चीज में ट्रस्ट हमेशा बिल्ड अप होता ही है, बिना ट्रस्ट के कुछ भी नहीं होता, है ना। तो हमेशा एक ट्रस्टेबल पर्सन फाइंड आउट करना है जिसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी आप जानते हो, हाँ, जिससे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, हर एक चीज रिवील करके रखी है, ठीक है। जिस बंदे ने गलत करना है वो ये चीजें छुपाएगा आपसे, है ना, क्योंकि जहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहीं पे घपला होता है, ये चीज आप हमेशा जानते हैं। जहां पे हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है, मतलब हर चीज ओपनली दिखाई जा रही है, वहां पे सारी चीजें सेफली होती है, ठीक है। तो अपनी जगह जो सौरभ चंदेल आपको चैनल प्रोसीड करता है वो फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमेशा शेयर आउट करते हैं, ठीक है। नंबर वन चीज ये बता दी। अभी ब्रांड अकाउंट होता क्या है, है ना। अब स्पेसिफिकली ब्रांड अकाउंट का कैसे पता चलता है, है ना, कि ब्रांड अकाउंट क्या है। ब्रांड अकाउंट बोले तो पहले वर्ड से ही समझ आ रहा है ब्रांड कि मतलब किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए हम वो अकाउंट होता है, मतलब उसमें होता क्या है कि जैसे ये है, इसमें सिर्फ एक यूट्यूब चैनल होगा पर्सनल अकाउंट में, लेकिन ब्रांड अकाउंट में हम किसी एक स्पेसिफिक जीमेल के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब सिंपल भाषा में कहूं तो ये कैसे पता चलता है ना ब्रांड अकाउंट में, पता क्या होता है कि मानो ये मेरा जीमेल है ना, मान लो ये मेरा जीमेल है सौरभ चंदेल, ठीक है, सौरभ चंदेल ये मेरा जीमेल है, मान लीजिए, है ना, ये मैं सेलर हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं सेलर हूं और कोई बंदा चैनल बाय कर रहा है, ठीक, कोई बंदा चैनल बाय कर रहा है, तो अब मान लीजिए ये मेरा जीमेल है, ठीक है, मान रहे हैं है नहीं मेरा, अदरवाइज बहुत सारे बंदे रिकवर करने को लग पड़ता है ना। तो मान लीजिए मेरा जीमेल है, किसी बंदे ने खरीदा, अब मान लो मैंने इसको दे दिया, ये ब्रांड अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ब्रांड अकाउंट में हम किसी एक जीमेल का, जैसे मान लीजिए, है ना, एक जीमेल, ये प्राइमरी ओनर है, ठीक है, ये प्राइमरी ओनर है, मतलब ये मेन है,
मेन जीमेल है इस पे जो मैंने एक यूट्यूब चैनल बना के रखा है, यही जीमेल है, यही चैनल है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि मैं किसी, जैसे प्राइमरी ओनर जो होता है ना, किसी दूसरे ब्रांड अकाउंट के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक दूसरा जीमेल है ना, ये मान लीजिए सौरभ चंदेल 0.1 है ना। अब ब्रांड अकाउंट में क्या होता है कि हम दूसरे जो जीमेल है उसके ऊपर भी अपने यूट्यूब चैनल का एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है, जैसे इसमें मान लीजिए पर्सनल अकाउंट्स में जिन जिन डिवाइस में लॉगिन होगा वो सारे प्राइमरी होते हैं, उसमें कोई सेकेंडरी नहीं होता। लेकिन ब्रांड अकाउंट में जो मेन गेम होती है वो ये होती है, जैसे मान लीजिए मेरे सौरभ चंदेल जीमेल एक प्राइमरी अकाउंट है और ये जो सेकंड वाला है सौरभ चंदेल 0.1, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए ब्रांड अकाउंट के ऊपर ही ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में अब ये गेम होती है कि मेरा दूसरा जीमेल है, बहुत सारे बंदे जो गलत करने वाला होते हैं वो क्या करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। वो इस यूट्यूब चैनल पे, मान लीजिए यूट्यूब चैनल उनका प्राइमरी है जिसके ऊपर उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्या करेंगे, इस दूसरे जीमेल के ऊपर, ये जो दूसरा जीमेल है इसके ऊपर ओनरशिप ले देते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांड अकाउंट में बहुत सारे होते हैं, प्राइमरी होता है, प्राइमरी ओनर, ओनर सिंपल ओनर होता है, मैनेजर होता है, कि मतलब कोई स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया गया है, ताकि मान लीजिए कोई, मैं एक बड़ा, बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ, मुझे बंदे वहां पे हायर करने को रखने पड़ रहे हैं, तो वो ज्यादा सेस ना कर पाए। जैसे ये जितने ओनर होंगे या मैनेजर होंगे, इनकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कि इतनी ही चीजें वहां पे कर पाएंगे, ये वीडियोस वगैरह एडिट नहीं कर पाएंगे, जो भी रूल्स वगैरह होते हैं स्पेसिफिक लिमिट होती है इनकी ब्रांड अकाउंट में स्पेशली। तो बंदे क्या करते हैं, जैसे मान लो प्राइमरी ओनर ने इसके ऊपर ओनरशिप ही इसको मैनेजर बना दिया है ना, और दूसरे बंदे को यूट्यूब चैनल दे दिया, ठीक है, बंदा खुश हो गया, हाँ भाई इसने मेरे पास यूट्यूब चैनल दे दिया। और बाद में जो गेम होती है वो होती क्या है कि यहाँ पे बंदा जो होता है ये गड़बड़ करता है यहाँ पे कि इसके ऊपर मैनेजर बनाया है, और जो प्राइमरी ओनर होता है वो करता क्या है कि वहां से उसके पास पूरा एक्सेस होता है, जो ये जीमेल है इसके पास पूरा एक्सेस है। और वो पता कैसे चलता है, जो हमारी सेटिंग्स होती है ना, तो हमारी सेटिंग्स में वहां पे परमिशन सेक्शन होता है। जब आप अपने यूट्यूब स्टूडियो को डेस्कटॉप साइट में ओपन करेंगे ना ब्राउजर में, देन वहां पे आपको एक परमिशन सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको सारी लिस्ट निकल जाती है पता, अगर वहां पे जितने बंदों को एक्सेस मिला होगा तो वहां पे एक लिस्ट आई होगी है ना, कि हाँ इन इन बंदों के पास एक्सेस है, ये ओनर है, ये प्राइमरी ओनर है, ये मैनेजर है, ऐसा लिखा होता है वहां पे। तो वहां पे उस हिसाब से मान लो ये बंदा ओनर है, इसने चैनल दिया, तो वहां से वो आपको बताएगा कि ये बंदा मैनेजर है, इस जीमेल के ऊपर एक्सेस दे के रखा है, तो डायरेक्ट वहां से कट करेगा, जीमेल आपके पास ही रहेगा, लेकिन जो यूट्यूब चैनल का एक्सेस उसके ऊपर दिया था वो वहां से हट जाता है। तो इस केस में पता लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ परमिशन सेक्शन में जाना है वहां पे, कभी भी किसी से यूट्यूब चैनल बाय करते हैं। और तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी मेरे से कोई बंदा चैनल बाय करता है ना, कोई भी फैमिली मेंबर, तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आप हमेशा परमिशन सेक्शन में जाएं, वहां पे देखें कि सिर्फ फेक ही जीमेल है ना, जो मैंने आपको प्रोसीड किया सिर्फ वही पे अगर दिखा रहा है ना, वही जीमेल दिखा रहा है, देन एब्सोल्युटली वो एक पर्सनल अकाउंट है, या ब्रांड अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसी के ऊपर सारा एक्सेस है। तो इससे आप ये चीज कंफर्म कर सकते हैं, अगर कोई, पहली बात है अगर कोई ट्रस्टेबल पर्सन मिलता है देन उसके बाद ये प्रोसेस करने का होता है, ठीक है। हमेशा कभी भी बाय करना है तो ये इस केस में करना, इस केस में बहुत सारे बंदे आपको कार्ड देते हैं कि आपके पास जीमेल रहेगा लेकिन जो यूट्यूब चैनल है वो ट्रांसफर किया होता है, जस्ट उसको कोई एसएस दिया होता है एज अ मैनेजर, एज अ ओनर, तो इस केस में वहां से वो उसको हटा लेते हैं। तो इस तरह से फैमिली कभी भी अपने यूट्यूब चैनल बाय करना है तो इन बेसिक से चीजों का आपने ध्यान रखना है कि क्या ओवरऑल सारा प्रोसेस है, क्या सारी चीजें हैं। और अगर ये चीज हो गई ना, अगर फर्स्ट टाइप आपको बिल्कुल सही मिल गया ना बंदा, देन इन सारी चीजों में घबराने वाली कोई भी बात नहीं होती है, देन ये चीजें बिल्कुल बेसिक है। अपने केस में तो बिल्कुल सारा का सारा फंडा इधर ही है, इधर सारा का फंडा इधर ही टिका हुआ है, क्योंकि पहली बात मैं ब्रांड अकाउंट कभी जिंदगी में सेल आउट करता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत ज्यादा झंझट होता है। इसलिए अपने पास कभी भी कितने भी यूट्यूब चैनल सेलिंग किए आते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे भी लगाए होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं पर्सनल अकाउंट्स। चीज मैंने आपको बता दी कि इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं सारी चीजें हैं। आपने भी कभी देखा होगा कि आपके एक जीमेल के ऊपर दो यूट्यूब चैनल बन जाते हैं, तो इसी केस में होता है कि आप उस पर ब्रांड अकाउंट बना रहे हैं, गलती से बन जाता है कहीं से। तो ओवरऑल ये सारी चीजें थी, फैमिली कभी भी यूट्यूब चैनल बाय करना है तो इस चीज के ऊपर फोकस रहें, है ना। और मोनेटाइज चैनल के केस में पता क्या होता है, मोनेटाइज जो चैनल होता है उसको रिकवर करना एक थोड़ा सिंपल प्रोसेस होता है एक नॉर्मल अकाउंट से, जो कि नॉन मोनेटाइज चैनल है, क्योंकि जो मोनेटाइज चैनल होता है पहली बात वो अर्निंग कर रहा होता है, वो खुद के लिए भी अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए भी अर्निंग कर रहे हैं, तो वहां पे इन केस रिकवरी के लिए वो आसान होता है ना, रिकवर करने के लिए आसान होता है। इसीलिए कभी भी चैनल बाय करना है
फुल ट्रस्टेबल इसके ऊपर जाएंगे, सस्ता सुस्ता के चक्कर में ना पड़े। सच कह रहा हूँ, कई बार ना 100, 200, 500 के चक्कर में सस्ता पड़ते हैं ना कि यार मुझे सस्ता मिल रहा है यहाँ पे, डियर बैंड बच जाएगी। अगर बंदा ट्रस्टेबल है ना तो कुछ नहीं है, कोई बंदा अगर रिकवर करता है तो वो आसानी से आपकी हेल्प करवा सकता है। ओवरऑल सारी यही चीजें थी कि नंबर वन इसी चीज के ऊपर है। अब बेसिक चीज मैं बता देता हूँ कि ट्रस्टेबल पर्सन कैसे पता चलेगा। नंबर वन है ना आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ना, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी आइडेंटिटी का मतलब उस बंदे के बारे में पता है हाँ कि यार ये सौरभ चंदेल है, हाँ इसका एक यूट्यूब चैनल है, हाँ इसका एक ब्लॉगिंग चैनल है, हाँ इसके फैमिली ओवरऑल वहां पे सारी दिखती है, हाँ इस ये बंदा हर एक चीज अपनी रिवील करता है बिना झिझके हर एक चीज की। दूसरी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बोले तो मैं कोई भी काम करता हूँ, जब चाहे वो यूट्यूब चैनल सेल हो, चाहे सब्सक्राइबर हो, वॉच टाइम हो, मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे शेयर आउट करता हूँ, हाँ ये सर्विस मैंने प्रोसीड करता हूँ और सक्सेसफुली ये कंप्लीट हुई है। हर एक चीज आपको ट्रांसपेरेंसी के थ्रू यहाँ पे शेयर आउट की जाती है, जितनी अपनी सर्विस होती है उस हिसाब से मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट सर्विस हमेशा प्रोवाइड करता हूँ। तो ये बेसिक सी चीजें होती है जिससे हमें पता लग जाता है। और जो पर्सन आपके पास कुछ गलत करने वाले होंगे तो वो करेंगे क्या, उनकी कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होगी। जैसे कोई एक नया इंस्टाग्राम बनाया है, ना उनका कोई प्रोफाइल पिक्चर है, ना उनकी कोई एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी जिससे लोग उन्हें जानते हैं, है ना। और एक जेन्युइन पर्सन की पहचान उसके बोलने से, उसकी ओवरऑल एक्टिविटी से हमें पता लग जाता है। नॉन वर्बली, दो तरह के वर्बल मतलब कोई बोल के बोल रहे, जैसे मैं बोलूँ हाँ सौरभ चंदेल एक बहुत अच्छा ट्रस्टेबल पर्सन है और आप उसे सेफली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम बाय कर सकते हैं, ये वर्बली हुआ। और नॉन वर्बली किस तरह से होता है, एक्टिविटीज के थ्रू, आईज कनेक्शन, बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है, ओवरऑल चैनल पे जितनी भी एक्टिविटीज है, डेली जो वीडियो देखोगे किसी के बिहेवियर से ओवरऑल पता लग जाता है। इन तीन दो चीजें ये, एंड थर्ड चीज आपको बताई दिया नॉन वर्बली सारी चीजें पता लग जाती है ना। सो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप भी कभी यूट्यूब चैनल बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप बिल्कुल निश्चिंत और मस्त तरीके से यूट्यूब चैनल हमेशा बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेफली और नंबर वन चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। और ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, है ना। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। देखो बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, लेकिन मुझे जो लॉन्डे है ना, लॉन्डो पता है, मुझे पता है वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही है ताकि आपके जो पैसे हैं ना वो बचें, आप सेफली उन पैसों को खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर पाए। चाहे यूट्यूब चैनल मेरे से खरीदें ना खरीदें उसके लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रखें अपने पास, ताकि कोई आपका दोस्त, कोई आपके रिलेटिव करना चाहता है तो वो सेफली बच पाए कभी भी यूट्यूब चैनल बाय करने से, है ना। मतलब बच पाए, मतलब ओवरऑल ढंग से करना है तो ढंग से करे, है ना, सारी चीजें यही है। तो कमेंट प्यारा सा जरूर करें कि आपको कौन सी चीज थी इसमें यूनिक जो आपको पहले पता नहीं थी और पता लगी है, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कीमती समय निकाल के कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर ऐड करें, जो ताकि सबके लिए हेल्पफुल रहे, है ना। और यूट्यूब फैमिली का पार्ट जरूर बनते, नीचे लाल बटन है लॉन्डो दबा दो, हर कोई नहीं कहेगा दबाने के लिए, सौरभ चंदेल कहेगा सिर्फ, नीचे लाल बटन है दबाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बिलीव इन योर ड्रीम्स। पीस। जीवन में एक चीज सीखी, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते हैं या अपन जीतते हैं, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी।